पुराने शहर हैदराबाद के असली निजाम की बात करेंगे हम। असल जिंदगी के इस बादशाह के पास ये तो ज्यादा पैसे नहीं है, जेब खाली ही रहती है, लेकिन दिल बहुत बड़ा है इनका। अजहर की बात हम कर रहे हैं। अजहर पिछले 1176 दिनों से, यानी कि करीब 3 सालों से हर रोज 100 से 150 लोगों को एक वक्त का खाना मुफ्त खिलाते हैं। और रमजान के पाक मौके पर अजहर दोपहर के बदले शाम के वक्त करीब 150 से ज्यादा लोगों को अपने पैसे से खाना खिलाते हैं। पुराने हैदराबाद शहर के कबीरपुरा फ्लाईओवर के पास अजहर की प्लास्टर ऑफ पेरिस की छोटी सी दुकान है, और जाहिर सी बात है कि इस दुकान से उनकी कमाई मामूली है, लेकिन बावजूद इसके हर दिन अजहर 150 से ज्यादा लोगों का पेट भरते हैं। और यही जिंदा दिली की खबर हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। निजामों के शहर के असली निजाम से आपकी हम मुलाकात करवाएंगे। फिलहाल आपको तस्वीरें हम अजहर की दिखा रहे हैं, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। कमाई भी मामूली है, लेकिन ये मामूली कमाई उनकी जिंदा दिली की आड़े नहीं आती। हर रोज एक वक्त का खाना खिलाते हैं, 150 से भी ज्यादा गरीब लोगों को मुफ्त खाना खिलाते हैं। अब मन में ये सवाल आ रहा होगा कि लोगों को एक वक्त का खाना मुफ्त खिलाने की शुरुआत आखिर हुई कैसे। चलिए अजहर से ही जानते हैं। से गुजर चुका हूँ, भूख क्या होती है, भूखे पेट सोना क्या होता है, अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये एक टाइम मैं यहाँ से आ रहा था, स्टेशन के पास से एक गरीब औरत को देखा जिसके पैर नहीं थे, वो भूख से तड़प रही थी। तो तभी मैंने सोचा कि या अल्लाह, अगर कुछ काम लेना है मुझसे तो लोगों की भूख मिटाने का काम ले। तो वेरी नेक्स्ट डे मैं यहाँ पर एक फ्री फूड के नाम से प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1176 दिन 76 डेज हो रहे हैं जो मेरा प्रोग्राम चल रहा है। टोटली ऊपर वाले का हेल्प है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं किसी से हेल्प लूँगा, ना इंशाल्लाह आगे कभी किसी से हेल्प लूँगा। अगर कोई अपनी खुदी से आता है तो मोस्ट वेलकम। मेरे एक दोस्त हैं जो 16 राइस बैग एवरी मंथ मुझे डोनेट करते हैं। हमारे प्रोग्राम में डेली 25 kg राइस बनता है, दाल और कड़ी। बाकी का सामान जो है खुद मैं कुछ कर लेता हूँ या मेरे फेसबुक फ्रेंड है। इस प्रोग्राम में मेरे फेसबुक फ्रेंड्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन।